अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेबीज़ किचन। आज किसी कस्टमर का केक नहीं बन रहा, बल्कि मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी तो उसके लिए मैं केक बना रही थी। तो सबसे पहले स्पंज की देख लेते हैं। स्पंज बनाने के लिए मैंने यहाँ 116 ग्राम, आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन 16 ग्राम जो है वो हमारा ये जो कप है, मेजरमेंट कप है, इसका वेट है। और 100 ग्राम जो है वो मैदा और चीनी, मैंने दोनों 100 ग्राम नाप के ले ली हैं। उसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, और 2.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर कोको पाउडर ऐड कर लिया था 100 ग्राम मैदे के अंदर। और अच्छी तरह इसको हम छान लेंगे ताकि कोई भी गुठली मैदे की ना रहे। और ये मैंने 4 इंच का टिन लिया है, और एक मैंने लिया है 6 इंच का, जो 1/2 kg केक के लिए यूज़ होता है। तो मैंने ये 2 लेनी है। इसको अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ये 4 इंच वाला थोड़ा हाइटेड होता है, इसमें भी 1/2 kg से थोड़ा सा कम बनता है। और यहाँ मैंने 4 अंडे लिए थे, और उसमें 100 ग्राम शुगर ऐड करके उसको अच्छी तरह से बीट किया। अच्छी तरह से बीट करना है, इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए। बिल्कुल बीट करते रहना है। तकरीबन आपका ये 5 मिनट में भी हो सकता है, 10 मिनट भी ले सकता है। और यहाँ मैंने स्पीड कम करके आपको इसलिए दिखाया है कि इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग चेक कर लें कि इतना ये शुगर और अंडे का जो मिक्सचर है ये इतना थिक होना चाहिए। इस कंसिस्टेंसी पे हम इसको हटा लेंगे बीटर से, और हाथ से या आप स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जो हमने मैदे का और कोको पाउडर का मिक्सचर बनाया था। मैं हाथ से इसलिए करती हूँ क्योंकि हाथ से पता चल जाता है कि मैदा नीचे तो नहीं बैठा है, और अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है एक ही बारी में। क्योंकि हमें ये जो अंडे के झाग होते हैं ना, ये जो हमने फ्लफ़ी करा है, इसको हमें बिठाना नहीं है। अगर ये हमें बैठ गया तो फिर हमारा केक अच्छे से राइज नहीं होगा। तो इसलिए हमें किसी भी मैदा ऐड करते हुए किसी भी सूरत में हमें इसको बिठाना नहीं है, झाग को अच्छी तरीके से ऐड करके फिर जो हमने टिन ग्रीस करके रखे थे केक मोल्ड, उसको उस पर ऐड कर लेंगे। 1/2 ऐड कर लेंगे। मैंने 1/2 जो है वो जो 4 इंच का मोल्ड लिया था उसमें डाल लिया था, और 1/2 जो मैंने 6 इंच का मोल्ड लिया था उसमें डाल लिया था। अच्छे तरीके से मैदे को देख लें कि उसमें कोई भी लम्ब्स ना बने हो, और कोई भी गुठली ना हो, और अच्छे तरीके से मैदा नीचे ना बैठा हो, मिक्स हो गया हो। फिर ये हम अपने मोल्ड हमारे तैयार हैं, इसको हम बेक कर लेंगे। और बेक होके फिर हमारे यहाँ पे आ चुके थे, फिर हमने इसको डीमोल्ड कर लिया था। ये 4 इंच वाला जो था वो बेक हो गया था। देखें कितने अच्छे से बेक हुआ है ना। अगर आप रेसिपी को ध्यान से फॉलो करेंगे ना, तो आपका स्पंज, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्पंज बनाने में ही आती है सबको, तो स्पंज बनाना बहुत ही ईजी है। 1-2 बार की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके बाद आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। और यहाँ देखें मैंने इसको डीमोल्ड भी आसानी से हो गया, और ये देखें कितना सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट स्पंज बनता है आपका। बहुत आपको इसमें शुगर सिरप भी इतनी ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत सॉफ्ट स्पंज होता है। और कस्टमर ज़्यादातर जो डिमांड करते हैं ना, वो भी सॉफ्ट स्पंज। मेरे पास तो जो जितने कस्टमर आते हैं तो वो मुझसे स्पेशल बोलते हैं कि स्पंज सॉफ्ट रखिएगा। तो मैं यही बोलती हूँ कि आप बेफिक्र रहें, 100% गारंटी के साथ स्पंज आपको सॉफ्ट ही मिलेगा। अच्छा, ये जो 4 इंच वाला था ना, इसकी पहले मैं आइसिंग कर रही हूँ, इसको क्रम कोटिंग करूँगी। तो इसकी मैं, क्योंकि ये हाइटेड था तो मैंने इसकी 4 लेयर्स की थी। अगर जैसे अगर हाइट में ये कम होता तो मैं इसकी 3 ही लेयर्स करती, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने, क्योंकि अच्छा भी लगता है ज़रा हाइटेड केक ना, तो मैंने इसमें इसकी 4 लेयर्स कर ली थी। अच्छे तरीके से जो नाइफ होती है, जो केक वाली नाइफ होती है, उससे आप इसको वो कर लें, कट कर लें एक लेवल में, 4 इसकी लेयर्स निकाल लें। अच्छा, ये जो मेरे पास क्रीम जो मैंने बीट की थी ना आइसिंग के लिए, उसका जो डब्बे के अंदर जो रह जाती है ना, जो निकलती नहीं है, उसी में मैं थोड़ा सा पानी डाल के और चॉकलेट सिरप डाल के और ये शुगर सिरप इसका तैयार कर लेती हूँ सोकिंग के लिए। आप कोई और भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चॉकलेट केक बना रही थी। जाहिर सी बात है, बच्चे होते हैं घर में, बड़े होते हैं, और मेरे हस्बैंड को भी चॉकलेट केक पसंद, और मुझे लगता है मेरी स्पेशलिटी चॉकलेट केक है, क्योंकि मेरे पास जितने भी ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं ना, वो सब चॉकलेट केक के ही आते हैं। तो इसलिए, और बहुत कम होते हैं मेरे पास दूसरे फ्लेवर के, ज़्यादातर चॉकलेट के ही आते हैं। तो मैंने यहाँ देखे अच्छे से क्रीम इसको लगा के, हालांकि मैं बहुत कम क्रीम यूज़ कर रही थी कि कम क्रीम हो, इतनी ज़्यादा क्रीम भी अच्छी नहीं लगती ना इसलिए, तो लेकिन फिर भी लगानी तो थी।
तो मैंने इसकी एक क्रीम की लेयर लगा के उसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल के, आप चॉकलेट सिरप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ के चॉकलेट सिरप आ गए हैं। मैं यहाँ पे क्रेव जो क्रेव चॉकलेट सिरप है वो यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरी जो छोटी बेटी थी वो भी कैबिनेट को बार बार खोल खोल के मुझे तंग की जा रही थी कि बस मम्मा आप ये सब छोड़ दें, मुझे उठा लें, बहुत शरारती हैं वो। खैर तो यहाँ नेक्स्ट लेयर भी मैंने इसी तरह ही लगा ली, अच्छे से पहले क्रीम लगाई, पहले सोक किया, फिर उसके बाद क्रीम लगाई, फिर उसके बाद चॉकलेट सिरप रखा, फिर नेक्स्ट लेयर लगाई, नेक्स्ट लेयर को भी अच्छे से सोक किया। सोकिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको जब आप फ्रिज में ठंडा करेंगे ना तो ये जो सोकिंग होती है ना यही टेस्ट देती है असल जो केक में टेस्ट आता है, तो इसलिए सोकिंग बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद अगेन मैं क्रीम की लेयर लगाऊंगी, अच्छे से उसको भी स्प्रेड करूंगी स्पैचुला से, जो केक नाइफ होती है उससे आप अच्छे से क्रीम को स्प्रेड कर लें। और अगर आप क्रीम की भी लेवल कर देंगे ना अंदर लेयर्स को जो लेवल कर देंगे तो नेक्स्ट लेयर जो रखेंगे वो भी एकदम लेवल में ही आएगी, तो आप जब कट करेंगे ना तो वो इतना प्यारा निकल के आएगा कटिंग होते हुए। मैं तो भूल गई, वरना मैं वीडियो बनाती इसकी कटिंग वीडियो भी बनाती ज़रूर, लेकिन मुझे ख्याल नहीं रहा, एक्चुअली टाइम ज़्यादा हो गया था और मेरे हबी बाहर थे और मैं मुझे 12 बजे मतलब विश करना था उनको, तो 56 जब 11:56 हुए तो फिर मुझे वो हुई कि मेरा यार केक भी रेडी नहीं है और अभी इतना टाइम भी हो गया, 4 मिनट बाकी हैं और हबी भी आने वाले होंगे, तो बस कैसे विश करूँगी मैं इसी कश्मकश में। बस मेरा ध्यान सिर्फ केक के ऊपर था और कुछ भी मैं सोच नहीं रही थी, मैं कह रही थी केक रेडी हो जाए ताकि मैं उन्हें ठीक 12 बजे सरप्राइज़ कर सकूँ। खैर लेकिन हो गया था, 12 बजे तो नहीं हुआ था लेकिन 12 बजे के बाद ही हो गया था। मेरे हस्बैंड ने खुद खड़े होकर वीडियो बनाई है, अपने केक की खुद ही वीडियो बनाई है। मैंने कहा चले जब आ ही गए आपको देख भी गया है कि हाँ मैं केक बना रही हूँ, सरप्राइज़ तो अब रहा नहीं है, तो आप फिर चलें वीडियो ही बना लें। खैर फिर इसी तरह मैंने लास्ट लेयर रखे और अच्छी तरह से इसको क्रम कोटिंग कर लिया। क्रम कोटिंग बहुत ज़रूरी है वरना आप जब लास्ट इसकी क्रीम की लेयर लगाएंगे ना तो बहुत क्रम्स वाली ना हो जाए, क्रीम में क्रम्स ना आ जाए, इसलिए पहले से क्रम कोटिंग ज़रूरी है। अच्छा फिर मैंने 2 नाइफ की मदद से लेकर उसको हटा लिया था और फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। अब ये जो 6 इंच के मोल्ड में मैंने केक बेक किया था इसको मैं कट कर लूँगी। ये भी देखें कितना सॉफ्ट और हर लेयर इसकी जो है ना एकदम बिल्कुल प्लेन और जालीदार केक बनता है, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट बनता है, आप ये ट्राई ज़रूर करिएगा ये रेसिपी। अच्छा खैर फिर इसकी मैंने 3 लेयर्स ही की थी, इसकी मैंने 4 लेयर नहीं कट की थी, सिर्फ जो छोटा मेरा मिनी केक था उसकी कर ली थी, यहाँ मैंने सिर्फ 3 लेयर्स ही इसकी निकाली थी। अच्छा अब मैं केक बोर्ड ले लिया, इसमें थोड़ी सी क्रीम लगा दी ताकि केक इधर उधर हिले नहीं। और अच्छा मैं केक बोर्ड जब घर में बनाती हूँ ना तो मैंने एक ही केक बोर्ड रखा हुआ है उसी में बनाती हूँ, फिर जब केक ख़त्म हो जाता है ना तो उस केक बोर्ड को साफ़ करके और रख लेती हूँ, अच्छे से वॉश करके और फिर उसको रख लेती हूँ, तो वो अगेन यूज़ हो जाता है। कौन इतने केक बोर्ड अपने घर में ज़ाय करेगा, जब कस्टमर को देती हूँ तो फिर वही नया केक बोर्ड निकालती हूँ और कस्टमर को नया, ताकि उन्हें कोई भी कंप्लेन नहीं आए। हम तो घर में है ना जुगाड़ू हैं, कभी तो केक बोर्ड यूज़ भी नहीं करती, जब घर के लिए केक बनाती हूँ तो केक बोर्ड यूज़ ही नहीं करती, डायरेक्ट टर्न टेबल पे बना के और प्लेट में उसको एडजस्ट कर लेती हूँ। खैर अच्छा यहाँ पे भी हमने केक बना के उसके ऊपर अच्छे से क्रीम की लेयर लगा के चॉकलेट सिरप लगा के अगेन दूसरी लेयर रख दी है। अब हम इसको भी सोक करेंगे, अच्छे से सोक करेंगे ताकि ये भी जो है ना तो मतलब जो सोकिंग का अरोमा होता है उससे महरूम ना रहे। तो खैर अच्छे से सोक कर लिया हमने इसको, अब इसकी में भी हम यही करेंगे, अगेन क्रीम की लेयर लगाएंगे, अच्छे से इसको भी स्प्रेड करेंगे क्रीम की लेयर को। केक की ना सिर्फ ये लेयर्स जो लगानी होती है इसी में टाइम लगता है, बाकी तो केक की जो आइसिंग होती है डेकोरेशन होती है ना वो जल्दी हो जाती है अगर सिंपल वाली हो तो। अच्छा यहाँ मैंने कोटेड करके दोनों को फ्रिज में ठंडा कर लिया था, उसके बाद मैंने क्रीम्स को क्रीम के पार्ट्स को डिवाइड करके और उसमें अलग अलग कलर वो कर लिया था, एक ऑरेंज येलो
ब्लू और ये चॉकलेट फ्लेवर, मतलब इसमें मैंने गनाश ऐड कर दिया था, चॉकलेट गनाश, तो वो चॉकलेटी कलर आ गया था। तो यहाँ पे ना मैं बास्केट नोज़ल मैंने लिए, बास्केट नोज़ल आपको बहुत इजीली मिल जाएगी मार्केट से, बास्केट नोज़ल से। इसमें ना दोबारा क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बास्केट नोज़ल से ही हम पूरे केक को कवर करेंगे, नीचे से लेंगे बास्केट नोज़ल को और केक के ऊपर लेके जाएंगे। ये जो नीचे 6 इंच का मोल्ड में हमने बनाया था केक, उसका मैं अभी डिज़ाइन बना रही हूँ, अभी ऊपर वाले का नहीं बना रही। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं जो ऊपर वाला केक था, यहाँ असल में मुझे शूट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मैं ऊपर से शूट करती हूँ तो साइड में मेरा मोबाइल रखा नहीं जा रहा था, कहीं एडजस्ट नहीं हो रहा था तो, और घर भी बहुत फैला हुआ था क्योंकि मैंने खाना भी बनाया था तो बर्तन भी धोए नहीं थे, तो इसलिए फिर मैं मुझे रखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो खैर फिर मैंने अपने बेटे से कहा तुम ज़रा वीडियो शूट करो, इस तरह मैं दिखा तो दूँ कि मैं बना क्या रही हूँ। तो इसलिए फिर मैंने अच्छे से इसको इसी तरह बास्केट नोज़ल से कवर कर लिया। लाइक ये एक बास्केट भी लग सकती है नीचे वाली, और जो उसके ऊपर रखा हुआ है वो एक जैसे ट्रंक होता है ना, जो दरख्त का तना होता है, उसका जैसा एक इसका लुक आ गया था कि नीचे बास्केट टाइप सी है, उसके ऊपर हमने दरख्त का एक तना टाइप सा रखा हुआ है, इस तरह से इसका लुक आया था। और यकीन जाने कि बहुत ही औसम लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। खैर फिर मैंने ना ग्रीन कलर, क्रीम में ग्रीन कलर ऐड किया और पाइपिंग बैग में बिल्कुल आगे से पाइपिंग बैग को हल्का सा कट करके और उसमें ना इस तरह से लकीरें बना ली, जैसे एक बेल नहीं होती जो जो दरख्त के ऊपर चढ़ रही होती है, इस तरह से करके मैंने बेल बना ली है। और उस बेल में भी छोटी छोटी जो है ना ब्रांचेस बना ली, जिसके अंदर लीव्स हम बनाएंगे एंड में, तो वो बना के देखें पूरे नीचे से ऊपर तक मैंने इस तरह से आप बना लें, किसी भी शेप में बना लें, ये कोई वो नहीं है, ब्रांचेस वैसे भी इधर उधर फैली हुई ही होती हैं, तो जैसा आपको वो लगे। फिर मैंने ना सोचा ग्रास भी बना लूँ नीचे, तो होता है ना केक बनाते बनाते आइडियाज़ आते रहते हैं कि यार ये कर लें तो फिर हमारा केक का लुक और अच्छा हो जाएगा, ये कर लें तो फिर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा केक का लुक। तो इसलिए मैंने ना फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, बजाय इधर बॉर्डर बनाने के ना मैं इधर ग्रास बनाती हूँ। अच्छा ग्रास ना मुझे ऊपर वाले में भी बनानी थी, जो सेकेंड केक की हमने लेयर सेकेंड स्टेप सॉरी रखा है ना, उसमें भी मुझे ग्रास बनानी थी, लेकिन मैं एक तो टाइम भी नहीं था बिल्कुल भी, जैसे बताया इतनी ऑलरेडी वैसे ही देर हो चुकी थी, तो फिर मैंने उसका छोड़ दिया। मैंने कहा ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है, और फिर अभी ने तो देख ही लिया था, सरप्राइज़ तो रहा नहीं था, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही सही है। फिर मैंने यहाँ पे ग्रास पूरी कंप्लीट कर ली अच्छे से और बेले भी कंप्लीट कर ली। अब मुझे फ्लावर का था, फ्लावर एक मैंने बना लिया था, फिर मेरे अभी ने कहा नहीं नहीं वीडियो बना लो, मैंने कहा नहीं देर हो रही है बहुत ज़्यादा, आपको केक कट करना है, उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम वीडियो बना लो फिर केक कट कर लेंगे हम लोग। तो फिर मैंने एक दो वीडियोस बना ली फ्लावर बनाने की भी, मैंने कहा चलें, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि फ़्लावर किस तरह बनता है, बहुत ही सिंपल मेथड है, नीचे एक आप रोल बनाएं खाली फ्लावर नोज़ल से, उसके बाद एक पेटल उठाएं दूसरी के साथ मिलाएं, फिर एक पेटल उठाएं दूसरी के साथ मिलाएं, जहाँ से जो एक पेटल ख़त्म होती है ना उसके बीच में से दूसरी पेटल को उठा के और आगे लेके जाना है, बस इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत आसान बनाना है, बहुत आसान है। फिर मैंने एक येलो कलर की बनाई थी क्रीम, तो उसकी भी मैंने बना ली है, और एक तो रेड कलर है ना, ये रेड कलर बहुत मुश्किल से बनता है, जो रेड कलर आम हमें जेल कलर्स मिलते हैं ना क्रीम के, जो क्रीम में यूज़ होता है उसमें रेड कलर जो होता है वो पीच कलर या फिर ऐसे ऑरेंज पीच कलर का बन जाता है, वो एकदम जेट रेड कलर नहीं आता उसमें। तो फिर मैंने कहा कि उसमें फिर मुझे और अपनी साइंस मिलानी पड़ेगी, वो बरगंडी कलर और रेड कलर को मिक्स करके फिर रेड बनाना पड़ेगा, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि नहीं अभी बस ये येलो ऑरेंज और ब्लू ही कर लेते हैं। फिर ब्लू में ना मैंने कहा कि सारे रोज़ेज़ अच्छे नहीं लगेंगे, कोई येलो भी ना मुझे दूसरा बनाना था, लेकिन वो जल्दी में मैंने कहा ना मेरे जहन से ही निकल गया, येलो में मुझे सनफ्लावर बनाना था और ऑरेंज रोज़ बनाना था और ये जो इस तरह का रोज़ बनाना था ब्लू क्रीम से,
जो स्टार नूजल से जो रोज़ बनता है। फिर खैर मैंने वो कर दिया ब्लू नूजल से, इस तरह से बना दिए छोटे छोटे भी वो बना दिए, क्योंकि जगह यहाँ पे बच गई थी तो मैंने कहा चलो ब्लू से ही कवर कर दूँ, अभी तो सिर्फ रोज़ेस को कवर करना है। फिर मैंने लास्ट में, सबसे लास्ट में जो पाइपिंग बैग मैंने बताया था कि मैंने आगे से उसकी टिप काटी थी, उसी को मैंने साइडों से जो है ना एक एक मतलब लीफ नोज़ल जैसे होती है ना, इसी शेप में कट किया मैंने पाइपिंग बैग को, और उसी से ही मैंने फिर लीव्स बना दिए। चारों तरफ लीव्स बना देंगे फ्लावर के, हर साइड पे लीव बना दिया, बेलों की जो हमने ब्रांचेस निकाली थी वहाँ पे भी हमने लीव्स बना दिए। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, जैसे दरख्त के ऊपर और बेल चढ़ रही है कोई, और एक बुके टाइप भी बन गया कि ऊपर जो है ना एक बुके सा बना हुआ है पूरा। तो कैसी लगी आपको वीडियो, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और वीडियो को भी लाइक करिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और ये केक आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था और मुझे कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे आए थे, मेरे हबी को भी बहुत पसंद आया था। तो हैप्पी बर्थडे हबी तो उनकी बर्थडे पे था तो उन्हें साइड से बात है बर्थडे बॉय को ज़्यादा पसंद आना चाहिए, उन्हें बहुत पसंद आया था। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।